फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियार किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चार तरह की ग्रीन चटनी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमें जरूर एनकरेजमेंट देते रहिए। हम ये आम की चटनी बना रहे हैं, तो ये मैंने लिया है कच्चा आम, एक आम, उसको छील के हमने वॉश करके ये उसका पल्प निकाल लिया है। इसके साथ लिया पुदीना, एक ग्रीन चिली, जार में डालते हैं आम, पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा काला नमक। ये हमारी आम की चटनी रेडी है। अब हम दूसरी चटनी बनाते हैं। ये बहुत टेस्टी ग्रीन चटनी हमारी रेडी है। ये हमारी दूसरी ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने लिए पुदीने के फ्रेश पत्ते और एक ये हरी मिर्च है, वो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए। ज़्यादा तीखा है तो और डाल सकते हैं चाहिए तो। और एक लेमन लिया है जो मैंने हाफ में डिवाइड कर रखा, कट कर रखा है, पूरा ये कट कर लिया। और ये है बूंदी, ये नॉर्मल बूंदी है जो रायता के लिए हम यूज करते हैं, वही बूंदी है। इसको थोड़ा सा पानी में मैंने सोक कर लिया है, तो इसकी ग्रीन चटनी बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं। पहले ये पॉट लेंगे और उसमें ये हम पुदीने के पत्तों को डाल देंगे, पुदीने के पत्ते, इसके अलावा एक ग्रीन चिली, वो भी मैं डाल रही हूँ उसमें। इसमें ये सारा हम जो बूंदी है वो बूंदी भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। अभी मैंने ये स्क्वीजर लिया हुआ है और इससे मैं लेमन स्क्वीज कर दूंगी। इसमें एक लेमन स्क्वीज कर रही हूँ, तो ये मैंने इसमें एक लेमन भी डाल दिया। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दीजिए इसमें, थोड़ा सा काला नमक। और इसको अब मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए हमारी ग्रीन चटनी रेडी है बूंदी की। अब मैं बनाने जा रही हूँ ये टमाटर की ग्रीन चटनी। इसके लिए मैंने लिया है कोरिएंडर लीव्स, ये धनिया के पत्ते हैं और इनको मैंने ये पूरी डंडी के साथ लिया है वॉश करके अच्छे से। धनिया जब भी आप लीजिए चटनी के लिए तो आप पूरी इन डंडियों के साथ ही लीजिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगती है, चटनी भी गाढ़ी बनती है, तो थोड़ी सी थिकनेस भी होती है, टेस्ट भी होता है, इसलिए आप डंडी सही थी धनिया लीजिए। तो ये मैंने धनिया ले ली है एक गड्डी अच्छे से वॉश करके। एक मैंने टमाटर लिया है, एक ग्रीन चिली है, इसके अलावा टेस्ट अकॉर्डिंग मैं नमक और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डालूंगी। तो चलिए इनको सबको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। टमाटर, धनिया, हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा इसमें आप भुना पिसा जीरा पाउडर डालिए तो बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। और अब मैं इसे पीस लेती हूँ। रहे हैं दही वाली हरी चटनी। इसके लिए मैंने लिए पुदीने के पत्ते फ्रेश, वॉश करके ले लिया है, और एक ग्रीन चिली है, एक लेमन है, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, और दो चम्मच ये दही लिए। तो इन सारी चीजों को हम एक मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारी दही पुदीने वाली ग्रीन चटनी रेडी है, एकदम यम्मी टेस्टी, तो आप जरूर ट्राई करिए। आज मैंने आज आपको चार तरह की ग्रीन चटनी बनाई और आप जरूर इनको ट्राई करिए। इसके अलावा और भी बहुत तरह से चटनियाँ बनती हैं, मैं टाइम टू टाइम उन्हें भी शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।